रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आप एहतियात भी कर रहे होंगे। हमजा, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं खुद एतमादी, खुद यकीनी, इस पे कितना आप बिलीव करते हैं कि ये इंसान की पर्सनैलिटी में कितना किरदार अदा करता है? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो अहम किरदार है वो खुद एतमादी ही अदा कर रही होती है। आपको अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है तभी आप लोगों के अंदर जा सकते हैं या कोई भी फैसला जिंदगी का करना हो, खुद एतमाद शख्स बेहतर फैसला कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस खुद एतमादी के ना होने के पीछे कौन कौन से अवामल हो सकते हैं जो कारफरमा हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इंसान जब पैदा होता है तो वो जिस माहौल में पैदा होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है। और सबसे पहले जो बच्चे को मिलते हैं वो होते हैं वालदैन, फिर उसका इर्द गिर्द का माहौल, मुआशरा जिसको आप कहते हैं, फिर होते हैं दोस्त अहबाब, मतलब आप किस बैठक में बैठते हैं जिसको हम कहते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाती हैं, खुद यकीनी, खुद इन्हसारी, खुद एतमादी भी कह सकते हैं। और फिर जिनमें ये इन चीज़ों की कमी होती है, एक वो इंसान होता है, जो वो इंसान होता है जिनमें इन चीजों की कमी हो जाती है, ये तमाम अवामल ही कारफरमा होते हैं उसको बनाने में भी और एक खुद एतमाद इंसान को बनाने में भी। अच्छा, अगर उसको मतलब कि बेहतर माहौल मिलेगा तो वो खुद एतमाद होगा, खुद एतमाद होगा। लेकिन सम टाइम हम पता क्या कर जाते हैं, पेरेंट्स हमारे क्या कर जाते हैं, हमारी सोसाइटी क्या करती है हमारे साथ, कि ये तो कर ही नहीं सकता, तुमसे तो ये होगा ही नहीं। अच्छा, उसको पहले ही जो है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं ये तो कम, अच्छा दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं घर में, बड़े वाला तो बहुत अच्छा है, हाँ तुम उसके जैसा क्यों नहीं बनते हो, वो देखो ये काम कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा। आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप उसकी जो पर्सनैलिटी बिल्ट होनी है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी बिल्ट होनी है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता मार रहे होते हैं। और फिर होता क्या है कि वो बच्चा ये मान लेता है कि बड़ा भाई तो बेहतर है, बड़ी बहन तो बेहतर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो उन पे इन्हसार करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या होता है, उसके अपने रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो अपनी घरेलू लाइफ, जो निजी जिंदगी जिसको आप कह लें, पर्सनल लाइफ कह लें, आप उसकी जो शादी होती है वो उसको भी उस तरीके से देखता है, दूसरों के मशवरों के ऊपर चल रहा है, वो खुद तो कोई फैसला नहीं कर सकता, खुद तो उसको लगता है कि मैं तो बेहतर इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो दफ्तर में जाके वो अपना कोई, उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत कुछ वो करना चाहता होगा, हिम्मत नहीं होगी कि किसी को बताए, होगी कि वो बताए मैं तो गलत ही हूँ, मैं तो गलत ही होऊंगा और मेरे पास तो कुछ अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की तरबियत जो है ना, हम कहते हैं माँ की गोद पहली दरसगाह है, मुआशरा जो है वो दूसरी दरसगाह है, और दोस्त अखबाब उसको मिलकर बनाते हैं। तो खुदारा किसी को भी इस तरीके से ना डिग्रेड मत किया करें, टॉर्चर मत किया करें, तुम तो ये कर ही नहीं सकते भाई, उसको इनकरेज करें, उसको कहें, मोटिवेट करें, उसको कहें कि तुम ही तो कर सकते हो, और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें। और हम आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एंड ये है, मतलब इतना डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप उनको डिग्रेड ना करें, उनको मोटिवेट करें, उनको साथ लेकर चलें, अगर उनका कोई वीक पॉइंट है भी तो उसको इग्नोर करें, उनकी अच्छाइयों को उनके सामने रखें। एग्जैक्टली, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको देखें और उसको बताएं कि नहीं, अगर बड़े में ये स्ट्रेंथ है तो तुम में ये स्ट्रेंथ है, अगर तुम में ये वीकनेस है तो बड़े में भी तो ये वीकनेस है ना, तो कोई बात नहीं, कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, और सबको अगर हम एक ही तराजू में तोलना शुरू कर देंगे तो ये इंसान है, ये कोई रोबोट नहीं है कि हम एक जैसे इंसान बना सकते हैं। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक ने अपने तरीके से जो है इस दुनिया में आना है, इस दुनिया में काम करना है, और फिर इस दुनिया से रुक, और हम अपने रवैयों से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, मुआशरे को एक अच्छा इंसान दे सकते हैं, वो है हमारे अपने रवैये, कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दोस्त अहबाब उसको किस तरीके से मिलते हैं और ट्रीट करते हैं, फिर हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा उसको क्या सिखा रहा है और क्या तरगीब दे रहा है। तो ये सब अवामिल जो है ये मिलकर एक अच्छा इंसान, एक परफेक्ट इंसान, या फिर एक खुद एतमाद कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो बनाते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन की जो फजा है उसको तो हम सब सपोर्ट करते हैं कि कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन वो टॉर्चर नहीं बन जाना चाहिए। तो खैर, हम सब कोशिश करेंगे कि हम दूसरे को जो है अपने साथ लेके चलें, अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आगे पीछे धकेलने की कोशिश करें। अभी हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस से जंग लड़ती कौम के लिए
एक जो है ना हवा का झोंका जिसको कहा जाए, वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम वैक्सीन तैयार कर रहे थे पाक वैक उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, और वैक्सीन जो है चीन से दरामद कंसाइनो के खाम माल से तैयार की गई है। पाक वैक जो है 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाने के लिए लॉन्च की गई है, और पाक वैक वैक्सीन कौमी इदारे सेहत में तैयार की गई है जिसका खाम माल और जो तकनीकी सलाहियत थी वो चीन ने फ्राहम की थी। टीम भी हमारे साथ चीन से यहाँ पर आई थी और फिर हमारी हेल्प की गई उसको वैक्सीन को तैयार करने में, और जो वज़ारत कौमी सेहत ने इब्तदाई तौर पर कौमी इदारे सेहत को पाक वैक की 30 लाख डोजेज़ तैयार करने के अहकाम दे दिए। हाँ जी, पाक वैक की जो मैनुफेक्चरिंग है ना, पैकिंग है और मटीरियल है वो कौमी इदारे सेहत में ही तैयार किया गया। और पाक वैक लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीन बनना इतना सादा मरहला नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस मयार को बरकरार रखने के लिए बड़ी बारीक बीनी से कोशिश करनी होती है, जो कि हमने की है। दूसरी जानिब हुकूमती इकदामात की बात करें, एसओपीस पर अमल दरामद की बात करें, कोरोना केसेस में मुसलसल जो है इशाल कमी आ रही है। अगर हम आज की बात करें तो शरा 3.9%। और जिस तरह हमजा वैक्सीन के बात करें, फैसल सुल्तान ने जिस तरह से कहा है कि बहुत बारीक बीनी से काम लेना है, हाँ। तो इंसानी सेहत का वो है मामला है, और जिस तरह के हालात हैं बहुत बारीक बीनी से ये वैक्सीन तैयार की गई है, बहुत ही सेफ वैक्सीन, और साइनोफॉर्म की किस्म की जो ये वैक्सीन है वो तैयार कैंसाइनो की जो तैयार की गई है। फिर इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रही, और बलोचिस्तान में कोरोना से फैलाव की शरह कम होकर 5% हो चुकी है, जो कि हमजा जिस तरह से आपको बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब ये तो सूरत हाल है कराची में। अभी तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि 10% से शरह ऊपर है, वहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कैसी खबर है ये कि अब पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन तैयार हुई और पाक वैक के नाम से ये वैक्सीन आ गई है, हमें इस वबा से छुटकारा हासिल करने में कितनी मदद मिलेगी इस वैक्सीन की वजह से? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ जी कि ये बड़ी एक खुशाइन खबर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वबा से निबटने के हवाले से और दूसरी तरफ ये एक पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है उसका जो एक असर है और उसकी जो एक इफेक्टिवनेस है उसकी भी मज़र है ये डेवलपमेंट। ये वैक्सीन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में पहली वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल हुआ था, वो भी यही वैक्सीन थी, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो सलाहियत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में उसको चाइना की मदद से दोबारा खड़ा किया जाए, और वो के का खाम माल जो है उसकी तैयारी तो चाइना में ही हो रही है, लेकिन हम इसकी फिल फिनिश इसको कहते हैं, ये एक आखिरी फंक्शन होता है कि जिसके बाद ये वैक्सीन छोटी बोतलों में डाली जाती है, उसका क्वालिटी चेक होता है वगैरह वगैरह, जिस तरह आप बिल्कुल इसका भी बड़ी क्वालिटी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ जी कि इसके पाकिस्तान जिस तरह के कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 मिलियन डोजेज महाना पाकिस्तान बना सकेगा खुद, ये एक बड़ा कदम होगा कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली इस वबा से निपटने का जो वाहिद हल है वो इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। दूसरी तरफ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो शुरुआत हुई है अब वैक्सीन की रिवाइवल हुई है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की, तो इससे बहुत सारे दूसरे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी दूसरी वैक्सीन बनाई जा सकेंगी। अच्छा। और मुझे मालूम है कि कुछ कोशिश हो रही है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है उससे भी इस्तेफादा करे पाकिस्तान जल्द अज जल्द, और उस हफ्ते से भी पाकिस्तान के अंदर ये मैनुफैक्चरिंग शुरू हो सके। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं कि ये साइनोवैक से के खाम माल से तैयार की गई है, जो पाक वैक के नाम से वैक्सीन इस वक्त दस्तियाब है। साइनोवैक के नाम से या कैंसाइनो के नाम से? कैंसाइनो। अच्छा ठीक है, कैंसाइनो के नाम से ये जो वैक्सीन ऑलरेडी चाइनीज वैक्सीन थी जो आ रही थी उसी के खाम माल से आपने ये वैक्सीन तैयार की है, उतनी ही इफेक्टिव है? और फिर इसके ये बताइएगा कि एक डोज लगाए जाने का बताया जा रहा है, बाकी हम देख रहे हैं बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनकी दो दो डोजेज लगाई जा रही हैं, इसकी एक डोज है, कितनी ये इफेक्टिव है बॉडी के ऊपर, क्या उतनी ही इफेक्टिव है? और फिर हम जब खुद अब बना रहे हैं वैक्सीन तो क्या हमें अब भी बाहर के ममालिक से वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? जी आपने बहुत सारे सवाल
करती हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब। पहली बात ये जी कि क्या ये इफेक्टिव है, तो ये उतनी ही इफेक्टिव है जितनी ये चाइना में इफेक्टिव है, क्योंकि ये वैक्सीन वही है, इसकी आप खुद समझें कि री पैकेजिंग यहाँ पे हुई है और उसका क्वालिटी एश्योरेंस भी किया गया, लिहाजा किसी किस्म का किसी जहन में कोई मुगालता नहीं होना चाहिए कि ये वैक्सीन पुरअसर नहीं है। ये उतनी ही पुरअसर है जितनी के ओरिजिनल चाइनीज वैक्सीन पुरअसर है, क्योंकि ये वही वैक्सीन है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हमें और वैक्सीन लेनी चाहिए दूसरे ममालिक से, जब हम खुद, जी यकीनन लेनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक 3-4% मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीन इम्यूनाइज हो सकती है। पाकिस्तान पांचवा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, लिहाजा जितनी भी वैक्सीन और जिस कदर और जिन मुख्तलिफ सोर्सेज से वैक्सीन पाकिस्तान में आ सके इसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि अब ये जो मसला है कि लोग ये बात करते हैं कि हमें तो फ़लाँ वैक्सीन लगवानी है, पाकिस्तान में जब खुद वैक्सीन बन रही होगी 3 मिलियन जो है डोजेज़ हम महाना तैयार कर रहे होंगे, क्या हुकूमत को उस तरफ जाना चाहिए कि आप लोगों को इंसेंटिव देना शुरू करें या फिर लोगों पर पाबंदी लगाना शुरू की जाए कि लाजमी तौर पर आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं जब हम खुद वैक्सीन तैयार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इसके बारे में ज़रूरी मालूमात दें, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और लोगों को इसके बारे में ज़रूरी जो मालूमात है वो पहुँचाई जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर रुझान हो भी रहा है वैक्सीन के लिए, और अब जो ये 19 साल से कम ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने की आज शुरुआत हुई है, तो इससे मेरा ख्याल है अब लोगों में खासतौर पे बहुत ज्यादा रुझान है वैक्सीन लगाने के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि इससे बहुत ज्यादा मुस्बत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। और इशाल देखें ना, मतलब आप देखें कैंसिनो बायो की है ये वैक्सीन, एक ही डोज थी, वही एक डोज आएगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि एक क्लिनिकल ट्रायल जो फेज 3 थे ये पाकिस्तान के अंदर भी हुए थे, हमने वो भी देखे थे और ये बड़ी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल होगी जिस वक्त हम बना रहे होंगे, अगर 3 मिलियन डोजेज हम बना रहे होंगे महाना, तो फिर हम इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है जाना शुरू कर देंगे कि लोगों को कहा जाएगा कि भाई आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब आप भी वैक्सीन लगवाएं और खुद को वैक्सीनेट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमजा हमें मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क की हम बात करते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हमें दरपेश हैं, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा मुल्क मुश्किल वक्त से निकल चुका है और कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है उन्होंने ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और तेज़ी से तरक्की करेगा। हाँ जी, उनका कहना है कि अपोजिशन ने पहले ही दिन कहना शुरू कर दिया था जी कि हमारी हुकूमत तो फेल हो गई है, पिछले हफ्ते ग्रोथ रेट जब तकरीबन 4% तक आया तो ऑपोजिशन कहती है आदादोशुमार ठीक नहीं है, ऑपोजिशन आज बड़ी मुश्किल में है। हाँ, ये उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि उन पर बड़ा तरस आता है। हाँ। मुखालिफीन जो है वो डरते हैं कि मईशत बेहतर हो गई तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि बादशाहों की तरह मैं अशरफियों की थैलियाँ नहीं फेंक सकता। ये उन्होंने मतलब बात कही है, उन्होंने कहा कोई भी मुझे फंड देने होते हैं तो मुझे पहले वजीर खजाना से मुशावरत करना पड़ती है, मैं इस तरह से चीज़ें लुटा नहीं सकता, मुझे खुद से कोई फैसला कर लूँ, मुझे खजाने की तरफ देखना होता है और वहाँ पर वजीर खजाना मौजूद होते हैं। हुकूमत ने बलोचिस्तान को अपना समझा, ये कहा वजीर आज़म ने, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार बलोचिस्तान में तरक्याती कामों पर पैसा खर्च किया जा रहा है और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल ज़ियारत में LPG का प्लांट भी लगा दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल ऐसे जी ऑन करने की बात की उन्होंने कि हमने अपना मान लिया है, उसे वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दें, अब ये बलोचिस्तान में भी हेल्थ कार्ड का इजरा जो है उसकी दरख्वास्त की गई है जाम कमाल साहब से कि वो भी हेल्थ कार्ड इशू करें। हाँ, इसी हवाले से हम बात करेंगे, लियाकत चवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत चवानी साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरा बलोचिस्तान को कैसा देख रहे हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हेल्थ कार्ड की भी कुछ बात की है? प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है जब जब तशरीफ लाए वो एक पैकेज ऐलान करके गए, उन्होंने सबका अपने पैकेजेस हैं जिसमें 600 अरब रुपए जो बलूचिस्तान की प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पास्ट में इग्नोर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस तरफ इशारा किया और उन्होंने इस तरफ बड़ा एम्फेसाइज किया कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ियारत की बड़ी अहमियत है और बड़ा लोग चाहते हैं कि उसको विज़िट किया जाए। और उन्होंने KPK का मिसाल दिया कि लास्ट गवर्नमेंट चूँकि वहाँ पर भी KPK की थी, अब भी है, तो टूरिज़्म के हवाले से
वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से कितना माशी फ़ायदा मिला, तो उन्होंने यही कहा। लेकिन उससे कबल ही पिछले बजट में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए सिर्फ ग्वादर मास्टर प्लानिंग के लिए हमने एलोकेट किए हैं और कोई 350 मिलियन रुपीज़ इसके अलावा ग्वादर को एज ए रिजॉर्ट उसको डेवलप करने के लिए हमने एलोकेशन किए हुए हैं। और इसके अलावा भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का टूरिज्म पे बड़ा हमारा फोकस है, जिसमें हम 7 टूरिस्ट पॉइंट्स साहिले समंदर पे बना रहे हैं। मूला छुट्टो खुशदार है, लसबेला में जो इंगला राज का जो मंदिर है इंगलाज मंदिर उसको डेवलप कर रहे हैं। टूरिज्म पे हमारा भी फोकस है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, और इसी हवाले से उन्होंने जिक्र किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं वो इस बात का ज़रूर जिक्र करते हैं कि बलूचिस्तान तारीख पास्ट में जो है वो इग्नोर रहा, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किए रखा, पास्ट में उस पर तवज्जो नहीं दी गई, और अब दीगर सूबों के बराबर लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं और उनका कमिटमेंट भी है कि वो बलूचिस्तान को डेवलप करके स्कीमात दे के उसको एलिवेट किया जा सकता है। और उन्होंने जिक्र किया फेडरल गवर्नमेंट का जो नौजवानों को कर्ज ज़ियासना का स्कीम है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा उसके कोटे से बढ़ के। अच्छा। और साथ ही उन्होंने दीगर जो बलूचिस्तान में सीपैक के प्रोजेक्ट्स है, जो लास्ट गवर्नमेंट सीपैक उनकी गवर्नमेंट में तो शुरू हुआ मियाँ साहब का, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने इसका जिक्र किया। और उन्होंने ये भी बताया कि दीगर भी बहुत सारे जो है रोड कनेक्टिविटी के मंसूबे हैं, चूँकि बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आलमोस्ट आधा पाकिस्तान है और दीगर सूबों की निस्बत यहाँ पर रोड बनाने में ज़्यादा वक्त और पैसा इसलिए लगता है कि एरिया बहुत वास्ट है। एक तो एरिया वास्ट है, दूसरा पास में कोई काम भी इस पे नहीं हुआ, तो ये वो मिनिस्टर साहब के इकदाम है। आपने भी शाहवानी साहब, हम देख रहे हैं बहुत सारे मंसूबों का ऐलान तो किया गया है, क्या विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान हर मामले पर मौसर कोऑर्डिनेशन चल रही है? जी बिल्कुल, मौसर कोऑर्डिनेशन है, अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है। और ऐसा एक फेडरल गवर्नमेंट के जो खुद चाहता हो कि बलूचिस्तान को डेवलप किया जाए, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन भी है, रिलेशनशिप भी है, मोहब्बत भी है, एक रेसिप्रोकल सिंसियरिटी का एक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारा। और इस गुड रिलेशनशिप का फायदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे हवाम को हो रहा है। अब तो प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट के आ रहे हैं, जब ये मेटेरियलाइज होंगे ग्राउंड पे सारे स्कीमात आएंगे। अब भी CTWP में मुतद्दद डैम्स के बड़े बड़े मंसूबे हैं, जिसमें 4.4 बिलियन के भी स्कीमात हैं, 8 बिलियन के भी स्कीमात हैं, वो CTWP में अप्रूव हो गए हैं। एक हमारा नाल टू आवारान 168 किलोमीटर का एक रोड है, 32 बिलियन रुपीज उसके लिए उसकी कॉस्ट है, उसकी भी अप्रूवल हुई है। तो इस तरह की मुतद्दद स्कीमात और भी सामने आ रहे हैं, ये वो एक अच्छी रिलेशनशिप है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का ये वो विजन है कि एज अ कोलिशन पार्टनर रोज अवल से हम नजरियाती एक ताल्लुक में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वाबस्ता रहे, कभी आर्म ट्विस्टिंग नहीं की, कभी बजट पे भी ब्लैकमेलिंग नहीं किया। जब जब प्राइम मिनिस्टर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जरूरत पड़ी, तो अरावल दस्ते में उनका हमारा किरदार रहा उसके साथ। ठीक है, ठीक है। साहब ब्रीफिंग जो है वजीर आजम ने मुख्तलिफ मामलात पर ली है, वहाँ पर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की बात करें तो उनसे कुछ अरकान को तहफ़ुज़ात हैं उसका वो बरमला इजहार भी करते हैं, मुश्किलात का शिकार नजर आती है अक्सर जो है बलूचिस्तान हुकूमत, इस पर भी वजीर आजम साहब से कोई गुफ्तगू हुई है, कोई बातचीत हुई है? देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और एज अ कोलिशन पार्टनर जाम कमाल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबरा हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा हैं, उनके लेवल पे ये कोलिशन का जो सिलसिला है शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जाम कमाल साहब को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। उनकी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, उनका विजन, उनकी कंपिटेंसी, उसका हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तरफ रहे हैं। मीटिंग्स में, अपने इज्तमाहत में जब उन्होंने खिताब किया है मीडिया के सामने, ठीक तो है, उस लेवल पे जाम कमाल साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि वो बेहतर अंदाज में जो काम कर रहे हैं ये सिलसिला जारी रहे। कुछ जो है पीटीआई के हमारे मोहतरम हैं सरदार
यारमावद्रीन साहब, उनके ग्रीवेंसेस थे और एज अ कोलिशन पार्टनर अपनी जगह पार्टी के अंदर भी जो इजहार राय है उसकी आजादी भी है और डिफरेंस होनी है, शाहवानी साहब होनी भी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक बार फिर से वही बातें दोहराई कि माजी में बलूचिस्तान के लिए जो पैसा दिया गया वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ। आपकी हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाती ताकि ये बात भी बंद हो जाए, खत्म हो जाए ये गुफ्तगू? देखिए, जिम्मेदारी नैब की है, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है और नैब के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है बाकी सूबों के मध्य मुकाबले के, हमने नैब के साथ एक एमओयू साइन किया है सीएमआईटी और नैब का बाहम, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में ये तकरीब हुआ था। तो हम नैब को जो जो फर्दर असिस्टेंस जरूरत है, जो इंफॉर्मेशन जरूरत है, जो कोऑर्डिनेशन जरूरत है, उसके लिए हमने बाकायदा एमओयू साइन किया है। तो बाकी नैब जो है पास के बहुत सारे इस तरह के हुक्मरानों के अभी भी नैब ने केसेस टेकअप किए हैं, कुछ इनिशियल प्रोसेस में है, कुछ में उन्होंने डेवलपमेंट और प्रोसीडिंग्स में आगे वो बड़े होंगे, नैब नोज बेटर। हम ना नैब को प्रेशराइज कर सकते हैं ना उनके मामलों में हम इंटरफेयर करते हैं। हाँ, नैब को जहाँ जहाँ हमसे कोई फैसिलिटी जरूरत पड़ेगी, कोई असिस्टेंस जरूरत पड़ेगी, कोई कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए हम जी ठीक है। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बात हुई और कुछ जो उधर चपकलिश चल रही है, कुछ नाराज़गियाँ हैं वहाँ पर, उस सवाल से उनको कहना है वज़ीर आज़म साहब जो है वज़ीर आला पर पूरा भरपूर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो उसमें मसाइल नहीं होंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीडीएम का शराजा जो है वो तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू भी सामने आई है, वो कहते हैं कि हुकूमत हमारी तरफ से 5 साल में जाए या फिर अभी चली जाए। लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो तो वैसे ही जारी और सारी रहेंगी। और अब जिस वक्त हुकूमत बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रही है, वज़ीर आज़म साहब बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, वो ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं हमें कि जी के जब अगली हुकूमत भी हमारी आएगी और तब जो हालात है मुआशी तौर पर वो बहुत बेहतर हो चुके होंगे और अब तो अपोजिशन बहुत ज्यादा परेशान है। अब अपोजिशन को ये भी मसाइल हैं शायद कि वो अपने जो दो इत्तेहादी जिनको एक लेटर इशू कर दिया गया था कि जी कि आप इसके ऊपर आके हमें बताएं कि आपने ये ऐसा क्यों किया था, और जिसको बिलावल साहब ने फाड़ के फेंक दिया था, तो उन्होंने कोई आके बात करने के लिए राजी नहीं था इस हवाले से। साथ एक और बात भी आपको मैं बताता हूँ, ये मसाइल हैं पीडीएम के, लेकिन हुकूमत को भी कुछ मसाइल का सामना है और वो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप हो, तो आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं कि जो हमारे इत्तेहादी जो थे या जो हमारे रुकन जो थे वो जो गलती से गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, उनको वापस जो वो भी लाने के लिए वो कह रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए कि गाड़ी से इस तरह चलती गाड़ी से उतर नहीं जाना चाहिए। ये वो अपनी पीडीएम इत्तेहाद की बात करें जो कि बिखरा और फिर अलग होती चली गई, बहुत सारी जमातें बीच में निकलती चली गई, जैसे कि पीपल्स पार्टी थी, पीएनपी थी, एएनपी थी, तो वो उन्होंने इसलिए कहा है, वो ये गुफ्तगू उनकी इस हवाले से थी। फिर खैर जो पीडीएम का शराजा था वो भी बिखर गया, लेकिन हुकूमत जो है इस वक्त वो बड़े पुरयकीन है, पुरएतमाद है, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब के बयानात को देखें तो वो खासे पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। और अब पीडीएम की तरफ से वैसी बात भी सामने नहीं आ रही है, जब ग्रोथ की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ कागजी बातें हो रही हैं, पता नहीं कैसी बातें की जा रही हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि पीडीएम का अब आप क्या हालात देख रहे हैं, कोई पीडीएम मौजूद भी है या आप सिर्फ अपनी जो है बका की जंग वो लड़ रहे हैं कि आपस में किसी तरह इकट्ठे हो जाएं? जी बहुत शुक्रिया, पीडीएम है, मौजूद है, लेकिन उनका जो इत्तेफाक और इत्तेहाद टूट रहा है बार बार, उसकी वजह है कि इमरान खान गवर्नमेंट जो है उनको पता है इसकी साख है, अवाम में इसकी जड़ें हैं और इमरान खान एक उम्मीदों के मीनार हैं। इसकी वजह से जो कोई भी तहरीक उन्होंने कोशिश की है, अवाम ने उसको रद्द किया, अवाम नहीं निकली, अवाम निकलती है जब अवामी पैसे साफ़त करना, उनको पता है कि पीडीएम में अक्सरियत जमाते वो हैं जिनके लीडरान पे दो दर्जन केसेस हैं और केसेस भी कोई
छोटे छोटे नहीं है, अरबों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक के केसेस हैं, असासों के केसेस हैं। तो मैंने ख्याल कि उनको इमरान खान साहब के मुकाबले में वो उनकी कोई अवामी मकबूलियत है कि वो खड़े हो सकते हैं। लिहाजा वो सारे अपना अपना जो आइंदा इलेक्शन है उसका हिस्सा बचाने के लिए सियासत में अलग अलग लड़ रहे हैं और अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पता है कि नवाज शरीफ से खड़ा होने की वजह से उनकी जो करप्शन है, वो जो मुख्य भागे हैं, उसका भार इनको उठाना पड़ेगा। और नून लीग समझती है कि जरदारी साहब का जो इमेज है उसका भार ये उठा नहीं सकते पब्लिकली, लिहाजा ये तितर बितर हो रहे हैं। अब्बासी साहब, ये पीडीएम के इख्तलाफ हैं ये तो समझ में आ रहे हैं, अगर देखें तो पीटीआई के अंदर हुकूमत के अपने अंदर इख्तलाफात हैं। हम देखें तो दो जमातें बन चुकी हैं, एक को तरीन ग्रुप कहा जा रहा है, दूसरे को पीटीआई हम ख्याल ग्रुप कहा जा रहा है। ये इख्तलाफात भी तो देख रहे हैं आप दूसरी तरफ। हमारी लड़ाई अपोजिशन से और हमारी लड़ाई अपने दोस्तों से एक ही बात पे है कि हम समझते हैं कि किसी ने भी करप्शन किया उसका एहतसाब होना चाहिए। तो जाहिर है दोनों हमारे कुछ दोस्त भी इस बात पे नाराज हैं कि एहतसाब हमारा ना हो, कईयों का और कुछ करना, और इसी तरह ऑपोजिशन भी ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के बड़े लोग हैं, ये जो जेलें मेले बनी है गरीब लोगों के लिए बनी है, और हमारे कुछ लोग समझते हैं कि जेलें बनी है ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए, हमारे पे केस ना चलाए। लिहाजा हमारा कसूर एक ही है, जब अवामी पैसे का तहफ़ करना चाहते हैं उसमें कई अपने और कई शायद नाराज हो जाते हैं। ठीक है अब्बासी साहब, कोई अपने भी आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं जेलों में? ठीक है, ये बात मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है या मेरे बस की बात नहीं कि कौन जेल में जाएगा। हर एक आदमी के केस की अपनी नौयत है, उसके अपने सबूत हैं, केस का जुर्म का अगर कहीं हुआ है तो उसकी अपनी अपनी नौयत है। तो बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा जब अवाम पाकिस्तान देखेगी कि कौन लोग अपने लिए सियासत कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो अवाम का पैसा बचाने के लिए और पाकिस्तान में जो पिछले 20-30 साल से करप्शन हुई है उसको, जो माफिया का राज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अवाम के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं है। जरूर मईशत की मुश्किलात है, महंगाई है, मुल्क के काफी सारे गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, लेकिन कौन वो लोग हैं जो खलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो इस कोशिश को सैबोटाज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में फैसला करना बड़ा आसान है। अच्छा अब्बासी साहब, हम देख रहे हैं तरीन साहब का जो ग्रुप है, तरीन ग्रुप, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारे साथ सियासत की जा रही है, या फिर हमारे साथ देख लें तो कोई इंतशारी या ज्यादती हो रही है हमारे साथ, वो ये नहीं मानते कि इंसाफ हो रहा है, फिर क्या कहेंगे? क्योंकि केसेस तो सबके खुल रहे हैं, उसी केस में तरीन साहब भी आ जाते हैं, तो फिर तरीन साहब जो है वो ये क्यों कहते हुए नजर आते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? देखिए, तरीन साहब ने जो शिकायत लगाई थी, इस शिकायत पे खासे पार्लियामेंटेरियन जो अवामी मैंडेट रखते हैं उनको भी ये शिकवा था कि शायद तरीन साहब के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इसका हमारे जो लोग हैं और जो वो लोग शिकायत वाले थे उन सबकी मर्जी पे अली जफर साहब का एक सिंगल मेंबर एक कमेटी बना दी है जो इस केस को हकायक को देखेंगे और उनको मुतमिन करेंगे, और अगर अली जफर साहब कहते हैं कि कहीं नाइंसाफी है तो उसको इंक्वायरी को देखा जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो मेरे ख्याल है उनका जिला खत्म हो जाएगा, बाकी जिसको भी आप पकड़ेंगे वो तो कहेगा ना इंसाफी है, मैं बड़ा ठीक हूँ। तो उसका ठीक करने के लिए कोई सियासी फैसला नहीं है। इदारे जो हैं, जो एहतसाब के इदारे हैं, उनको सबूत दें। इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगा था कि आपने ये बनीगाला वाला घर कैसे बनाया, उन्होंने 40 साल पुराने सबूत दे के हुकूमत से और हुकूमत के मुकाबले में जाके अदालत में देके अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवा दिया। तो जिस इसको गिला है इसी तरह अदालतें आजाद हैं, अपने आप को साबित करवा लें और मेरा ख्याल है ये गिला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि जी कि इंसाफ सबके लिए है, कानून सबके लिए है, और चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, कार्रवाई जो है अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो होगी और होना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा कुछ PSL की बात कर लेते हैं कि PSL के अभी तक हमें स्केड्यूल की समझ नहीं आ रही है, हमें ये पता नहीं लग रहा है कि अब मैचेस क्या शारजा में तो नहीं होने जा रहे हैं, बदल होने जा रहा है। और उस हवाले से अच्छी खबर यह है, हौसला अफजा खबर यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के दौरे में रद्दबदल की दरख्वास्त जो थी वो कबूल कर ली और कौमी टीम अब 23 की बजाय 25 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी और PSL का जो फाइनल मैच होगा जो मैच है वो 24 जून को ही, मतलब 20 की बजाय पहले 20 तक कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि शायद 24 जून को स्केड्यूल कर दिया जाएगा। और जरा ये भी बता रहे हैं कि जो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको इजाजत तो मिल गई है, तो उनको अबू धाबी लेके जाया गया, लेकिन वहां से उनको होटल से निकाल दिया गया, उनको कहा जी कि नहीं यहाँ पे अबू धाबी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप यहाँ पर नहीं रह सकते। फिर अब क्या सोचा जा रहा है कि जी के मैचेस को कहीं शारजा मुंतकिल कर दिया जाए कि वहां पर ये पाबंदी नहीं होगी, और आपको पता है उनको बैंड्स पहनाए गए हैं,
करंटीना के exactly. कि जी कि आप लोग क्वारंटीन में हैं, आप लोग मखसूस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बबल से और से आप exactly. बाहर नहीं जा सकते अब ये 7 जून से हो सकता है, अभी भी हो सकता है कि इवेंट का आगाज हो जाए और फ्रेंचाइजीज के साथ इवेंट के 3 मुमकिना जो स्केड्यूल हैं वो भी शेयर किए गए हैं कि शायद हम इस तरह से जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की बहाली की मंजूरी भी दे दी गई है और ये बड़ी अहम खबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से 2029 में खेली जाएगी, मतलब आप देख रहे हैं कि जिसमें 25 में एक 29 के अंदर शायद उस तरह से अब आप देखें 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था और कहा जा रहा था कि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को हराया था, उसके अंदर बेहतरीन सेंचुरी की थी फखर जमान ने और वो बेहतरीन हमें बुमराह की नोबल भी याद है बिल्कुल। और अब फिर से जो है वो खेली जाएगी जिसमें टॉप 8 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी। इसके अलावा आईसीसी के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि 2024, 26, 28 और 30 के जो T20 वर्ल्ड कप हैं टीमें जो हैं 20 टीमें उसमें शिरकत करेंगी, 20 टीमें शिरकत करेंगी। अच्छी बात है, ज़्यादा टीम्स को मौका मिलना चाहिए। तो ये चंद जो हैं खबरें हैं इस हवाले से T20 वर्ल्ड कप के बारे में और UAE में हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप हो जो भारत में होना था, क्योंकि भारत के अंदर हमें इस बात का भी पता है इशाल के भारत के अंदर स्कूल्स जो हैं अब पेपर्स नहीं ले रहे हैं, एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं। उन्होंने भी बता दिया कि हालात ठीक नहीं है, हम अब एग्जाम नहीं लेने जा रहे, बच्चों को वैसे ही प्रोमोट कर दिया जाएगा। IPL वहाँ से जो है फारिग हुई, वहाँ से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने मुलतवी कर दी, अब वो भी UAE में होने की बात हो रही है। और अब BCCI भी जो है सौरभ गांगुली साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि शायद अब UAE में जी T20 वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान को शायद ज्यादा फायदा होगा। एग्जैक्टली, और आपने उससे पहले देखा कि खिलाड़ी जब भारत में मौजूद थे तो उनके मुवालिक ने उनको वापस लेने से ही इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की बात, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया गया था कि आप नहीं आएंगे, और फिर वो अदर कंट्री से होते हुए फ्लाइट लेते हुए वहां पर पहुंचे। तो ये इस तरह की सूरत हाल के बाद पहले भी ये चांसेस, ये इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि हो सकता है कि जो मैचेस हैं वो UAE में ट्रांसफर कर दिए जाएं, शिफ्ट कर दिए जाएं, तो अब भी वही सूरत हाल है। और फिर T20 वर्ल्ड कप का जैसे हमजा कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफर हो जाता है UAE में तो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी है। खेले ही वहां पर है, हमारा तो होम ग्राउंड वही हो गया था जब पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे थे, तो हमारे खिलाड़ियों को वहां पर खेलने की, वहां पर उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा और जहां भी हो रहा होगा टीम अच्छा खेली होगी। PSL का स्केड्यूल आ जाए बस, अब और हमें हमारी टीम्स भी जो है ना वो फाइनल जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रही हूं जो कि एंड टाइम तक हमारी फाइनल नहीं पता ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर का तो पता ही नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे। अच्छा इशाल, एक और जो है, जब कुछ भी बेहतर हो रहा होता है, बेहतर इकदामात हो, बेहतर सोच हो, या फिर कुछ भी ऐसा बेहतर हो जिसका मुआशरे में अच्छे असरात जिसके पड़ रहे हैं, अप्रिशिएट करते अप्रिशिएट हैं, करना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की काविशें जोरों शोर से जारी हैं। पंजाब हुकूमत के अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसमें यह है कि शहर में मजीद 30 मकामात पर मेवाकी जंगलात लगेंगे जिनका इफ्तिताह मानसून शजरकारी में किया जाएगा। हाँ जी, और PHA की जानिब से रवां बरस में जो है ये 80 मेवाकी जंगलात लगाने का टारगेट पूरा किया जाएगा और 50 मेवाकी जंगलात का इफ्तिताह रवां बरस जश्न बहारा में किया भी जा चुका है और मजीद जो है वो इस पे काम हो रहा है। ये क्या फैसले हो रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, कैसे पूरा किया जाएगा, टारगेट्स हमारे हैं क्या, हमारे लाहौर को उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ज़ा को उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर गिलानी साहब, चेयरमैन PN साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? सर ये क्या फ़ैसले कर रहे हैं, क्या आपके पास प्लान है, फ़ायदा क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसको समझिए, बुनियादी तौर पर यह है कि आप देखें कि लाहौर तकरीबन दूसरे नंबर पर कहा जाता है पोल्यूटेड सिटी है। क्यों है? क्योंकि 1997 में इसकी जो पॉपुलेशन है, जो मैं सेंसिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो थी 53 लाख, और 20 साल बाद जो 2017 में जो हुआ हमारी मर्दमशुमारी हुई उसमें ये तादाद होगी 1,16,00,000, डबल से ज़्यादा होगी। और जो हमारा एरिया था जहाँ पे लोगों के घर थे, सड़कें थी, वो तकरीबन 60% ज़्यादा फैल गया, ग्रीन कवर आपका 60% लेस हो गया। तो ये उलट हो गया, यानी तादाद बढ़ गई, लोग बढ़ गए, गाड़ियाँ बाकी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन जो ग्रीनरी थी, जिसने बैलेंस करना था, जिसने ऑक्सीजन देनी थी, वो बड़ी ज़्यादा कम हो गई। तो जब PTA की गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब ने हमें यहाँ पे जिम्मेदारी दी, तो हमने 3 बड़े फैसले किए। अच्छा, नंबर 1 ये किया कि हमने पॉलिसी शिफ्ट की कि हम बजाय इसके कि हम सिर्फ अपने डेकोरेटिव और बाहर से इम्पोर्टेड प्लांट्स लगाएं, हम पूरी की पूरी पॉलिसी शिफ्ट कर दी कि हम अपने देसी इंडिजिनस ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, जो देसी ट्रीज हैं, एक तो वो ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंट
जो हमारा उसके मुताबिक माहौल के मुताबिक होते हैं, उनका फैलाव ज्यादा होता है, वो फॉलेज उनका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। अच्छा, बाकी जंगलात जिनकी बात हम कर रहे हैं वो भी ये देसी जो पौधे होंगे वही उसमें लगाए जाएंगे? एग्जैक्टली, मियावाकी जंगल में अब है क्या। दूसरा ये था कि हमने ज्यादा ज्यादा ट्रीज लगाने थे, और तीसरे पॉइंट में आ जाता मियावाकी, क्योंकि बड़ी तेजी से ये एडवर्स इफेक्ट हुआ था। तो हम ऐसी चीज सोच रहे थे कि कोई ऐसा तरीका है कि दरख्त जरा तेजी से बड़े हो जाए। तो उसके ऊपर फिर जब हमने रिसर्च की और दुनिया में चल रहा था, डॉक्टर अकिरा मियावाकी हैं, एक जापानीज बोटेनिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी दी कि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर छोटी जगहों के अंदर जहाँ पे कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गई है वहाँ पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कनाल के अंदर आप 1100 दरख्त लगा सकते हैं। और वो तरीकाकार ये है कि आपने 3 फीट की जो सॉयल है वो आपने डिग करनी है, खुदाई करनी है, और उसको रिप्लेस करना है, कनाल सिल्ट उसमें डालनी है, उसके अंदर बगास होती है, गन्ने का फोक होता है, फिर जो राइस सस्क होता है जिसे हम आम यूजली चावलों का जो है वो तो कहते हैं, फिर उसके बाद है फार्मयार्ड मेन्योर्ड है रॉटन शक्ल में, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके आपने वहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, वो 3 फीट की लेयर इस चीज़ से बनानी है। ये पौधों के लिए एक तरह से कह लें कि रेडीमेड उनकी खुराक है। अगर नॉर्मल सॉइल में एक ट्री लगता है तो वो अपने पूरी सॉइल से ये सारी की सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपने ये सारी चीज़ें तैयार करके एक जगह पर डाल दी तो वो दरख्त को बड़ी तेज़ी से वो चीज़ें मिलेंगी। सनलाइट ऊपर से अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप डिफरेंट लेयर्स में सारे के सारे वहाँ के लोकल ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, 3 बड़ी लेयर्स बनती हैं। पहली लेयर में वो ट्रीज हैं जो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाते हैं, जिनकी नेचुरल हाइट ज़्यादा होती है। दूसरी लेयर में वो ट्रीज हैं, अमरूद है या इस तरह के जो ट्रीज हैं जिनकी निस्बतन हाइट मीडियम साइज होती है, और तीसरी में हमारी श्रब्स हैं या जो हमारे मरवा है या इस तरह की और दीगर चीज़ें वो लगाते हैं। अच्छा, मियावाकी जो है वो बेसिकली ये है कि पौधे को बढ़ाना किस तरीके से, उसकी ग्रोथ किस तरीके से। एग्जैक्टली, अब उसकी स्टडीज जो उन्होंने बताई वो ये था कि 3 फीट जब आपने वो रेडीमेड नीचे सॉइल प्रिपेयर कर ली, तो जब आप ये दरख्त लगा देंगे 3 लेयर्स में तो होगा यह कि 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़े। अब हम ये लगाने कहाँ जा रहे हैं लाहौर में, मकामात कौन से हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 चीजें सिर्फ बता दूं कि ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़े होंगे, ये कन्वेंशनल के मुकाबले में 30 गुना ज्यादा ऑक्सीजन देंगे जिसकी हमें जरूरत है, 30 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन इमिट करेंगे, और जो कार्बन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो 40% ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और एक और उसका खूबसूरत पहलू यह था कि इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी होगी, जो शाद जो खत्म हो गए हैं, जो परिंदे पहचाना खत्म हो गया है वो वापस आएंगे, क्योंकि वो सेफर एक एनवायरमेंट होगा विद इन दैट एरिया। अब हमने जी इसके प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे हमारे पास फरवरी में, उन्होंने पहले मियावाकी का खुद से इफ्तिताह किया, और हमें उन्होंने 50 का टारगेट दिया कि आपने इस स्प्रिंग में करने हैं। अच्छा। और मलिक अमीन असलम साहब जब हमारे पास एक विजिट पे आए, सरप्राइज विजिट पे आए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर टाइम हमने एक हफ्ता पहले वो 50 मियावाकी लाहौर में लगा दिए। और अच्छा सर, 113 कनाल 7 मरले आराजी जो मुख्तस की गई, ये कहाँ पर की गई? जैसे हमजा ने पूछा, 154 है, ये 51 पॉइंट्स हैं, ये शादरा से शुरू होते हैं, बेगमपुर चौक में भी लगा हुआ है, जौहर टाउन में हमारे जो पार्क्स हैं इब्तदाई तौर पे हमने अपने कंट्रोल्ड एरियाज में लगाए हैं, जहाँ पे हमारा फैंस है। हमने जुल्लो के अंदर सबसे बड़ा साउथ एशिया का 50 कनाल जिलानी पार्क में 2 लगाए हुए हैं हमने, उसके बाद है हमारा जौहर टाउन में लगे हुए हैं, शादबन मार्केट के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, लिबर्टी का सबसे पहला हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया। तो ये अक्रॉस द सिटी बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट। सर कैसा रहा है आपका? उसी के बेस के ऊपर देखें, अगर आप उसकी इमेजेस अगर आप देखें वहाँ पे जो पहले वाला था और एक साल बाद वाला था, पहले वाला बिल्कुल आपको ड्राई लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, धुएं, और अब जो है वहाँ पे वो सारी की सारी ग्रीनरी हो रही है, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। उसी के बाद से हमने ये फैसला किया शादमान में, वज़ीर-ए-आला पंजाब उन्होंने खुद से इफ्तिताह किया था, तो अब उसको रेप्लिका हमने किया और ये 51 हम लगा चुके हैं। अब इस मानसून में हमारी कोशिश है कि हम 25 से 30 मजीद लगाएं, और इंशाल्लाह वो भी लगा लेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपको पता है कि शहर में जगह बहुत कम मिल रही है, गवर्नमेंट की प्लेसेस वैसे भी कम है, तो हमारी पहली कोशिश तो यही है कि हम अपने कंट्रोल्ड एरियाज में जहां हमारा माली है, जहां फ्रेंड्स है, जहां प्रॉपर वाटरिंग कर सके, क्योंकि इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 3 साल तक आपने इसको करना है, देखभाल करनी है, उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल है, आपको इसकी केयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से अपनी जड़ पकड़ जाते हैं और फिर वो बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इको बैलेंस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने आपने हम सब ने सांस तो इसी एक आबो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हम जो बागात हैं, बागी जो दरख्त हैं, जैसे जो फलदार दरख्त हैं, हम उनको क्यों नहीं लगाने की तरफ बढ़ते हैं? हम देखते हैं कि पहले हमारे लाहौर में जो ग्रीन बेल्ट नहर के साथ साथ चलती है, यहाँ पर बहुत सारे दरख्त ऐसे लगाए गए और लगाए जाते थे जो फलदार थे, जामुन का दरख्त बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद आम के दरख्त बहुत ज़्यादा थे, अब उस तरह उस रुझान को हम देखने कम हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, असल में यह था कि पहले यहाँ पे बिल्कुल ये थे, लेकिन जब रोड्स की वाइडनिंग हुई या जो भी मामला हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि रिप्लेसमेंट लगाएं, लेकिन रातों रात यहाँ पे साफ़ कर दिए जाते थे।
अब हमने अगर आप अभी भी जाके देखें तो मेरा ख्याल हमने बहुत ज़्यादा माजी में एक साल में 25,000 पौधे लगते थे, हमने एक साल में 5 लाख से ज्यादा लगाए हैं। तो अभी ये 2.5 साल जो हमारे हुए हैं जिससे हम जब से हमने ये टेक ओवर किया है PHA को खास तौर पर, तो 11 लाख से ज्यादा हमने दरख्त लगाए हैं 5 फीट हाइट के। नहर के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे दरख्त नजर आएंगे 5 से 7-8 फीट हाइट के, छोटे छोटे बड़े हो रहे हैं क्योंकि, और उसमें 50,000 से ज्यादा हमने जामन लगाया है। अच्छा। बड़ी जबरदस्त चीज है कि अगर वहाँ पे फल मिलेगा, अगर कोई भी खा रहा है तो वो हमारे ही लोग हैं, या कम से कम ये है कि वहाँ पे परिंदे आके खा जाएंगे। पहले तो ये कि परिंदों के लिए कोई चीज नहीं है, उसे वो बोलते हैं छोटा, वो बूर उसका लगता है जब वो छोटा होता है, उससे साया भी मिल जाता है, साया मिल जाता है, उसका लीफ बड़ा होता है। तो ये मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया था कि हमने पॉलिसी शिफ्ट किया है इंडिजिनस चीज के ऊपर, और उसमें एक बड़ी तादाद हमने फैसला किया था कि हम अपने फलदार दरख्त लगाएंगे ताकि हमारा जो फोना कल्चर है, परिंदे हैं एटलीस्ट, वो भी वापस आए। ठीक है सर, अभी तो 3 साल आपने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ेगी, वो 3 साल इतने अहम हैं, और जब हम बात करते हैं ना कि अच्छा हुकूमत ने एक मंसूबा लगाया, फलां अथॉरिटी ने एक मंसूबा लगाया, फलां इंतज़ामिया ये काम कर रही है, तो हमें रात से अगले रोज़ जो है ना उसके समरात चाहिए होते हैं। ज़रा ये बता दें कि हमें समरात कब तक मिलेंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं, आपने सुबह उठ के या अभी दोपहर को या शाम में नहीं पूछ लेना कि भाई कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, पौधे बड़े कितने। बहुत अच्छी बात है, देखें ये तो बिल्कुल सेम एक नेचुरल प्रोसेस है ना कि एक बच्चा है जब उसने ग्रो होना है तो उसको टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बचपन से आगे जाएगा, लेकिन ये एक टेक्निक थी, हमने इसीलिए इसके किया ना दुनिया के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको वेट किया मियावाकी टेक्निक को कि ये 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं। सो हमने फौरी तौर पे शिफ्ट किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें टारगेट दिया, तो इसीलिए किया क्योंकि लाहौर को बड़ी तेजी से जरूरत है, तो हमने उसकी तरफ चले गए कि जो इतनी ज्यादा तेजी से बड़े हो सकते हैं, हमने उनका रेडीमेड मीडिया, उनकी खुराक वहाँ पर तैयार करके दी, हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन हमने वो प्रिपेयर किया क्योंकि लाहौर की बका के लिए बड़ा जरूरी था। इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों के अंदर आप देखिएगा इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे बड़े पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, आप यहाँ पर आए, ये बड़ा अच्छा काम है कि जिससे हमें फायदा होगा, पूरे लाहौर को फायदा होगा, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है तो पाकिस्तान को फायदा होगा। खास तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्मोक के जो मसाइल हैं, उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में वो नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया ग्लेन साहब आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। बात करेंगे सिंध सरकार की लापरवाही और नाहली की वजह से अहले कराची जो हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आसान टारगेट बन चुके हैं, और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान शहर कायद में लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों से पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है, और हमजा ऐसा लगता है कि पुलिस ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं। शहरी मुजरिमान के हाथों नकद रकम हो, गाड़ियां हो, मोबाइल फोन हो, हत्ता के कीमती जाने हो, उनसे महरूम हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि डाकू जो हैं दिन दिहाड़े शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। चंद रोज कबल भी हमने देखा कि डकैतों ने 24 घंटे के दौरान 3 शहरियों को डकैती के दौरान मुजाहमत पर कत्ल किया। हाँ जी आप देख लें, और सिंध असेंबली में भी बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सिंध असेंबली इजलास में सूबे भर में अमनो अमान बिलखसूस कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाकयात पर अपोजिशन अरकान ने इजहार तशवीश किया, और अपोजिशन अरकान का यही कहना था कि लियारी में एक मरतबा फिर गैंगस्टर मुतारिक हो गए हैं जिसके बायस मुनशियात भी सरेआम फरोख्त हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मौजूदा सूरत हाल में पुलिस, हुकूमत और रियासती इदारों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करे, ये अपोजिशन की जानिब से कहा गया है, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत है चाहे इदारे हैं इस वक्त तमाम जो हैं वो शायद ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं, और शहरी इस वक्त या तो गैंगस्टर से परेशान हैं, फिर जो लूट मार करने वाले हैं दिन दिहाड़े उन गैंगों से परेशान। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हलीम आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर मसला है क्या, एक दफ़ा हमने देखा कि हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे, अब फिर हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर 3 अफराद को जो है डकैती के दौरान कत्ल कर दिया जाता है, मामला इतने ख़राब हो क्यों गए हैं, पुलिस क्यों नाकाम आपको नज़र आ रही है? देखिए पुलिस की नाकामी की अहम वजह यह है कि सिंध पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है, सियासी हो चुकी है, सियासी बुनियादों पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ठेके पे दे दी गई है। कराची के भी कुछ इजला ठेके पर दे दिए गए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कि जी ये जिला तुम्हारा, ये जिला तुम्हारा। और अगर इसके ऊपर इंशाल्लाह, मैं इस्लामाबाद था 10 रोज, डाकुओं के मामले में 4 रोज कच्चे में था, फिर मैं पानी के मामले से मैं रात ही पहुंचाऊं, इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम बाकायदा एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे। अच्छा। कि कराची में कराची वालों के साथ ओवरऑल सिंध में उधर कच्चे के डाकू
उनके सरप्रस्ट भी ये पक्के के डाकू हैं जो असेंबली में बैठे हैं या कैबिनेट में बैठे हैं, और कराची को जो लावारिस छोड़ दिया गया है, ये पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो गई है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी असल वजह यह है कि पुलिस पोलिटिसाइज्ड है, किसी को फिक्र नहीं है कि जी उससे गर्ज नहीं है कि लोग मर जाएं, क्राइम बढ़ जाए, उन्हें पता है इस पे कुछ नहीं होगा। वो क्या कहें कि जी वो बस वो पिया राजी तो सब कुछ ठीक है। मेरा मतलब यह है कि यहाँ एक होता है कि जब ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं तो उनको उनको एक फील होता है कि जी हमें अगर क्राइम रेट बढ़ गया तो शायद हमें हटा दिया जाए, शायद अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया हमें हटा दिया जाए। पुलिस तो लगी हुई है कोरोना वालों को पकड़ने के लिए, भत्तेबाजी के लिए सारे मामला पे, और खासतौर पर मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से जब वो पुलिस कराची पुलिस को भी चेंज किया गया उसके बाद तो मुझे कराची का और भी दिवालिया निकलता निकलता पता नहीं क्यों चेंज किया था। गुलाम अली मेमन को हटने के बाद मुझे कराची का और दिवालिया निकलता हुआ नजर आ रहा है। कराची को टारगेट किलर्स और ये डाकू, पता नहीं वो कोई तो वजह होगी, मैं नहीं जानता नहीं कौन है सीसीपीओ साहब, आई डोंट नो कि कौन है डिशलाई साहब, लेकिन हम हर फैसले जो होते हैं बेहतरी के लिए होते हैं ना, अगर कुछ गलत था, लेकिन आज सूरत हाल ये है, कुछ दिन बाद हम सब भूल जाएंगे, अभी पानी आ जाएगा, पानी होता। सबसे पहले ऑपरेशन तो फिर यहीं से शुरू होना चाहिए, पक्के के डाकुओं के ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए ताकि असल जड़ जो है पहले तो उसको उखाड़ा जाए। इंशाल्लाह 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 असल कार्रवाई पक्के के डाकुओं के खिलाफ होगी, तभी सिंध में अमन अमान आएगा। कच्चे के डाकू तो अगर 20 को मार देंगे 20 और पैदा हो जाएंगे, 20 और मार देंगे 20 और बंदूक देंगे। अभी बात सुनिए ना, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में बंदूक दे दें, मुझे ले जाकर कच्चे में छोड़ दें, मैं कच्चे का डाकू बात है, लेकिन असल जो लोग बंदूक देने वाले हैं, जो पथारेदार हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल, और वो पक्के के डाकू हैं जो कि सिंध असेंबली में, सिंध कैबिनेट में, जो सरपरस्ती हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जो उनको पालते हैं। आज देखिए ना, दोनों एफ से डीआईजी एसएसपी, देखिए मेरे सब वास्ते होते हैं, हम सिंध में रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नए डीआईजी पुराने वाले नासिर आफ्ताब ने और सऊद ने एक्शन तो लिया था, जब कुछ करता है तो गलत भी हो जाता है। शेख साहब, जब आप असेंबली के अंदर बात करते हैं ना कि ये पक्के के डाकू असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, पूरी सिंध असेंबली को आप मशकूक बना देते हैं। देखिए जी, हमारे साथ मैं भी हो सकता हूँ, जो भी है, असेंबली नहीं है, लोगों की जाने ज्यादा अजीज है, सिंध असेंबली में सारे थोड़ी होते हैं, पीपल्स पार्टी की भी आगे जो दो रोए हैं ना उसके ऊपर पीछे वाले पीपी वाले खुद बेचारे तबर्रे भेज रहे होते हैं कि जी ये लोग खा गए, ये लोग लूट गए, यही सारा कुछ कर रहे हैं, हमें तो हम तो एमपी हैं, सिर्फ हाथ खड़ा करने नीचे करने के लिए। असेंबली क्या, जहाँ भी इंसान की जान अजीज है, कह रहे हैं शेख साहब, ये मतलब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे वक्त से आप बात कर रहे थे, और ये जो इस्तलाह उन्होंने जो है मुतारिफ करवाई है कि पक्के के डाकू, और उस पर वो चाह रहे हैं कि कुछ बात करें, लेकिन जब वो बयान ये देते हैं कि वो असेंबलियों में मौजूद हैं, तो फिर लोगों को जो है शकों को शुभात पैदा होते हैं कि क्या असेंबलियों में ऐसे लोग मौजूद हैं। क्लियर मेन कयादत जो है ना, जो मेन लोग हैं वही हैं, जो पीछे पीपी के लोग भी पीछे बैठे हैं, वो भी जो चलो देखते हैं कि उनके पास क्या प्लान है। कह रहे थे कि वी हैव अ प्लान, आगे बढ़ेंगे, और एक और चीज के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, कुछ प्लान मुरतब करने की जरूरत है। कोरोना बहरान के दौरान हमने देखा कि मुल्क की जो ट्रेवल एंड टूर इंडस्ट्री है वो मफलूज होकर रह गई। मुल्क भर में ट्रेवल इंडस्ट्री के 50% दफातर डिफॉल्टर हो गए और बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, और इससे नुकसान क्या हुआ कि 30,000 मुलाजमीन भी फारिग कर दिए गए, बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों का किचन बंद हो गया। कोविड-19 में सबसे पहले ट्रेवल इंडस्ट्री को ही बंद किया गया था, और अलमिया यह है कि अभी भी आप देखें तो इंडस्ट्री उस तरह से बहाल होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सफरी पाबंदियां हैं, सफरी पाबंदियां अगर फिर खुल रही हैं तो फिर आगे से मसाइल मुख्तलिफ आ रहे हैं, आगे वैक्सीनेशन के मसाइल भी होंगे लोगों के, और पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद जो बताए जाते हैं कि वो वाबस्ता हैं, और ये घराने हैं। अगर हम अफराद की बात करें तो आप इनको घरानों के अंदर कर सकते हैं कि अगर एक कमाने वाला है तो कितने खाने वाले होते हैं, ये हमें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए अच्छी तरह से मालूम है, और फिर ये घराने शदीद माली और ज़हनी मसाइल का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ट्रेवल एंड टूर्स इंडस्ट्री ने जो देखें हम तो फौरी बेल आउट पैकेज, आसान शराइत पर कर्जे देने का जो मुतालबा कर दिया है, और कहा है कि इंडस्ट्री के अहदेदारों का इस हवाले से जो कहना सामने आया है कि उनके पास मसाइल के हल के लिए तजावीज़ हैं, वज़ीर आज़म बुला कर मसाइल सुने तो सही ताकि उनका कोई हल निकल सके। बिल्कुल ऐसे ही है, नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदा, इनसे जानते हैं कि इनके पास प्लान क्या है, तजावीज़ क्या हैं जो ये वज़ीर आज़म साहब को देना चाहते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या प्लान है आपके पास, क्या तजावीज़ हैं, मुश्किलात भी बता दीजिएगा और फिर तजावीज़ भी हम आपसे जानते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि उन्होंने इस अहम और सुलगते हुए मौजू को चुना और उसके हल के लिए हमें मदद किया। इसके मसाइल आपने जैसे बताया कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और सबसे पहले कोविड-19 जनवरी 2020 से आज तक ये इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, सबसे पहले बंद हुई है, और
आगे फ्यूचर क्रीम में भी कोई चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाए। तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने, उनका विजन है कि बेरोज़गारी को कम करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना है, तो और दूसरा उनका दूसरा विजन है कि ट्रैवल और टूरिज्म को प्रमोट करना है, सियाहत को बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक की जो इकॉनमी बेस ही टूरिज्म पे करती है, सियाहत पे करती है, तो ये वज़ीर आज़म का बहुत एहसन इकदाम है, एहसन विजन है। लेकिन उसके लिए फ्रंट लाइन जो उनके वर्कर हैं, उनकी जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्री है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो ट्रैवल ट्रेड है। तो उस सिलसिले में हर बहरान में जैसा कि कुछ इम्कानात भी पोशीदा होते हैं, तो इसमें यह है कि अभी सारी दुनिया की टूरिज्म बंद है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि 3-4 जो ज़्यादा शरह कोविड वाले ममालिक हैं, उनके अलावा बाकी सारी दुनिया के लिए इंट्री जो है वो फौरन जो है ओपन की जाए, ताकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी जाए और सियाहत भी प्रमोट हो। इस एक इंडस्ट्री से बहुत सारे जो है होटल इंडस्ट्री और बाकी मार्केट मुंसलिक है, वो भी प्रमोट होगी। तो नवीद साहब, हम मुतासरीन की बात कर लेते हैं। ये टूरिज्म जो बंद होने की वजह से या इंडस्ट्री को नुकसान जो पहुंचा, उसकी वजह से जो बहुत सारे घराने जुड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, आपने बेल आउट पैकेज की बात की है कि बेल आउट पैकेज पे आसान जो है वो कर्जे फ्राहम किए जाएँ एक साथ, पर वो किस तरीके से फ्राहम किए जाएँ और उस मुतालबे पे हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स दिया आपको? जी, अभी तक हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और जिस तरह हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी मराद दे रहे हैं, उसमें यूटिलिटीज़ में और दूसरी मराद दे रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री को कोई 0% जो है उन्होंने मराद नहीं। आप लोगों की बात हुई, किसी ने रابطہ करने की कोशिश की? किसी भी ने भी आज तक रابطہ करने की कोशिश? आप लोगों ने रابطہ किया? हमने काफ़ी मुतालबा, हमने काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी किया और भी दूसरे जो है लेटर्स के थ्रू, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। तो ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो 60% टैक्स कलेक्ट करके हुकूमती ख़जाने में जमा करवाती है, ये वाहिद इंडस्ट्री है। बाकी जो बैंक्स हैं वो यूटिलिटी चार्जेस अगर हमसे रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट हुकूमत से चार्जेस लेते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो टैक्स कलेक्ट करके पैसेंजर से डायरेक्टली हुकूमती खजाने में जमा करवाते हैं। डिफॉल्टर जो हो गए उनको बंद करना पड़ा अपना कारोबार? बिल्कुल ऐसा। और कितने मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को आपको निकालना पड़ा? बिल्कुल। वो मसाइल क्या हैं वो बताएं। वो ये मसाइल हैं कि जैसा आपने पहले शुरू में बता दिया कि ये इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट हुई है, तो उस वजह से सबसे अभी आप ये करेक्ट कर लें, 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इस इंडस्ट्री से। तो उनके लिए, बहाली के लिए सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि खसूसी कर्जा जात की बजाय ग्रांट मंजूर की जाए। अच्छा, ताकि जो लोग हैं दोबारा अपने ऑफिसेज ओपन करें और उनको जो है ना वो सरवाइव कर सके। 1.5-2 साल कोई भी फर्द या घराना जो है वो घर में बैठ के नहीं खा सकता, और महंगाई की अबशरा देखें वो कहां से कहां पहुंच गई है। बिल्कुल ठीक। तो उस वजह से हमारा मुतालबा है कि खसूसी आने वाले बजट में खसूसी ग्रांट मंजूर की जाए। अच्छा। उसके साथ हमारे हमें जो है आसान शराइत पर कर्जे दिए जाए, बेल आउट पैकेज दिया जाए। इसके साथ साथ जो हुकूमती मुख्तलिफ फीसिस और टैक्सेस हैं माहाना और सालाना, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इनके जो टैक्सेस हैं वो हमें 5 साल के लिए छूट दी जाए, और दूसरी जो हमारी फीसिस हैं लाइसेंसेस की। बिल्कुल ठीक है, आपके मुतालबात जो हैं वो हमने सुने और उम्मीद करते हैं कि इस मसले को कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आप आए, पाकिस्तान का हिस्सा बने। एक अहम इंडस्ट्री है, हम जानते हैं कि अब जैसी पाबंदियां लगी थी, सबसे पहले तो परवाज़ों के ऊपर पाबंदी लगी थी, दूसरे ममालिक में जाने पर पाबंदी लगी थी, यहाँ पर आने पर पाबंदी लगी थी, और अभी तक ये पाबंदी बरकरार है, और अगर खोली भी जाती है तो 1-1.5 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि कोविड की वजह से ऐसे मामलात फिर से आ जाते हैं। अब हुकूमत बजट लेके आ रही है, उनके जो मुतालबात हैं, इस इंडस्ट्री के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे, देखना चाहिए इन चीज़ों को भी, बेल आउट पैकेज हो, ग्रांट हो, जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि अब हम कहते हैं कि हुकूमत भी ये कहती हुई नजर आती है कि मौशी हालात जो बेहतर हो रहे हैं, कामयाबियाँ हो रही हैं, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी है और हमें मिल रही हैं। तो FBR ने भी हम देखें तो मई में हदफ से 7.82% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, जो रवा माली साल की दूसरी शुशमाही में
तीसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन कहा जाए तो गलत नहीं है। हाँ, है ये है बिल्कुल। तमाम तबकात पर कोरोना के मौशी असरात के बावजूद एफबीआर ने मई में मुसलसल तीसरे माह अपने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया और मई के लिए बोर्ड ने 358 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन उसे 28 अरब रुपए इजाफे से 386 अरब रुपए हासिल हुए और मई 2020 में इकट्ठे होने वाले 229 अरब रुपए से मुवाजना किया जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन 69% ज्यादा, यानी कि 69% जो है ये ज्यादा है। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं इशाल, जो हुकूमत दावे कर रही है वो कितने दुरुस्त हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ मौशी तजियाकार सलमान शाह साहब मौजूद है। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो एफबीआर की जानिब से दावे किए जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन के, इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं और मईशत पर कितने बेहतर असरात इसके मुरतब होंगे? देखिए, एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इकॉनमी को डूबने से हमने बचाया है और कोरोना के साथ जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इकॉनमी भी चलती रहे और कोरोना भी काबू में आ जाए, तो उसकी खासी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारी जो ज़्यादातर वैल्यू चेन्स एग्रीकल्चर में माशाल्लाह तो तमाम एग्रीकल्चर बिल्कुल नॉर्मल से बेहतर चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रियां ठीक चल रही हैं। सर्विसेज में थोड़ी बहुत जो है इम्पैक्ट सर्विसेज पे है, जिसमें जैसे आप पहले अभी बात कर रहे थे टूरिज्म बिजनेस की और रेस्टोरेंट्स की, और ये चीज़ें जो हैं ये ज़रा बंद हैं। तो अदर देन दैट आई थिंक ये महफूज की गई है इकॉनमी को। और दूसरा बात यह है कि एफबीआर ने जो टैक्स की वाइडनिंग करने की कोशिश की है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज करने की है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि बड़ी टफ एनवायरनमेंट है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो आई थिंक इसकी जरूरत बहुत है पाकिस्तान को, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है हमारे वो अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं और उसके लिए हुकूमत के पास रेवेन्यूज होने बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि IMF प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है। सो अगर हमारे पास रेवेन्यूज होंगे तो हम डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। अच्छा शाह साहब, जो IMF की जानिब से हदफ दिया गया है रवा माली साल का पाकिस्तान के लिए, वो दिया गया 4700 अरब तक, क्या आप समझते हैं कि इसको हम कम्पीट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे इसमें? जी अल्लाह ने किया, अगर तो कोरोना काबू में रही और जिस तरह से अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें बन रहा है, एंड होपफुली ये हम वैक्सीनेशन भी हो जाएगी और फिर फुली इकॉनमी खुल पड़ेगी और ये तमाम बंदिशें खत्म होने शुरू होंगी, तो डेफिनेटली ये हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि FBR में इस वक्त बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही हैं, चीज़ों को आसान किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को लेके हम आ रहे हैं और पाकिस्तान का जो टैक्स पोटेंशियल है उसके मुताबिक कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट शर्त ये है कि इकॉनमी माशाल्लाह से इसी तरीके से ग्रोथ की तरफ चलती जाए और हमारा हदफ जो है ग्रोथ का वो खासा सब्सटेंशियल है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो 7% की भी बात की है जो पॉसिबल है। और इसलिए हमने FBR को इस तरीके से फाल करना है कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट रेवेन्यूज भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है उस पे मैक्सिमम उसमें हम एक्सपेंडिचर कर सकें ताकि पाकिस्तान का हर जो है वहाँ पे। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि हमारी पॉलिसीज बेहतर थी, मौशी इस्तेहकाम आया है, जो कौमी मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है और अब हम उस मकाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब ये समरात आवाम तक पहुँचाए जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं मजीद कितना वक्त लगेगा कि समरात आवाम तक डायरेक्टली पहुँच रहे हों? देखें, एक बात तो ये है कि शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट बड़ी पेनफुल थी, ये सबको पता है और पिछले 2 साल से इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई है। मेन चीज़ थी कि एक्सचेंज रेट में जब डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रुपया इतना गिर जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपका डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेड चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जिसमें एनर्जी सबसे बड़ा है, खुर्दनी तेल, ये इस किस्म के आइटम्स जो हैं वो इम्पोर्ट होते थे, तो डॉलर के महंगे होने से वो तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन अब वो एडजस्टमेंट बड़ी मुनासिब तरीके से बेहतर हो गई है, क्योंकि रिमिटेंसेस में बहुत बड़ा बूस्ट आया है, एक्सपोर्ट्स में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो बेशुमार हुई है, बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और सबसे बड़ी बात नजर आ रही है आपको कि इस वक्त आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बढ़ने को जा रही है, और आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उठ रही है और तेजी से उठ रही है। मौसी मैदान से अच्छी खबरें आ रही है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेर पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और अच्छी बात है कि मौसी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मौसी तजिया कार कह रहे हैं कि जी के मईशत बेहतर होती चली जा रही है, बड़े सख्त फैसले किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। और हमजा, ये तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बजट आने वाला है, हम दुआगो हैं कि अच्छा बजट आए, और हम देख भी लेंगे कैसा बजट आता है। कुछ सियाहत की बात अगर करें, उसको बड़ा फरोग मिल रहा है, और आपने देखा पीआईए ने एक फ्लाइट ऑपरेट की है जिसको सफारी एयर सफारी के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसमें आप जाएंगे, विंडो सीट आपको दी जाएगी, आप तमाम जो ऊंची ऊंची चोटियां और पहाड़ हैं उनका नज़ारा करते हुए जाएंगे, और फिर वहां से आप अगर वापस आना चाहते हैं तो 2 घंटे के बाद आप वापस भी आ सकते हैं। क्या बात है शाल, तुम मतलब चाह रही हो कि प्रोग्राम छोड़ के फौरी बंदा उधर जाए और उधर जाके जो है तो देखिए ना, आप 2 घंटे के लिए जा रहे हो और आके वापस। अच्छा, पीआईए ने इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए एयर सफारी का ऐलान किया, ये सर्विस जो है क्या ये सर्विस है और क्या कितना मजा आएगा लोगों को, जो इशाल बता रही है उससे तो लग रहा है कि जी कभी छोड़े सारे काम और आप उधर ही जाएं और अपनी बुकिंग करवाएं। रजब अली कमर जो है हमें बताएं, जब बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, कौमी एयरलाइन पीआईए की जानिब से इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए एयर सफारी का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद सयाह और सयाहत से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है। पीआईए हुकाम का कहना है कि एयर सफारी का बाकायदा आगाज जो है वो 12 जून से किया जा रहा है, और इस एयर सफारी सर्विस को अजीम पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा के नाम से मंसूब किया जा रहा है। पीआईए का मजीद कहना है कि एयर सफारी के शौकीन अफराद जो है दौरान सफ़र गिलगित बल्तिस्तान के हसीन नज़ारों, बिलखसूस बर्फ़पोश और बुलंद बाला चोटियों का जो है नज़ारा कर सकते हैं, ख़ासकर केटू, ब्रॉड पीक, मशबरूम और दिगर जो पहाड़ी सिलसिले हैं इनका भी जो है इस एयर सफारी से उसमें सफ़र करने वाले सयाह जो है नज़ारा कर सकते हैं। इधर सयाहत से वाबस्ता अफराद का भी कहना है कि पीआईए पहले ही इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची से जो है स्कर्दू के लिए परवाजें ऑपरेट कर रही है, जो कि सयाहत को फ़रोग देने का एक आसान इकदाम है। एयर सफारी की सर्विस शुरू होने से भी गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का शोबा जो है मजीद आलमी सतह पर उजागर होगा। जी है रजब अली कमर, बहुत शुक्रिया आपका। 12 जून मार्क द डेट, ये वो तारीख है जब आप जा सकते हैं, जो ये विंडो सीट की बात हो रही थी आप नज़ारे कर सकते हैं, जो इशाल बात कर रही थी आप इसके मज़े ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सयाहत को 2 घंटे बाद ही आपको बाकायदा वापसी की भी उसी फ्लाइट मतलब उसी फ्लाइट से वापस भी आ सकते हैं, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप बहुत सारे नज़ारे करके बहुत सारी हसीन वादियाँ देख के और वापस आ सकेंगे। अच्छा इशाल, एक और चीज़ है, हम अक्सर बात करते रहे हैं कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार साहब की और राज कपूर साहब के पेशावर में आबाई घर की मिल्कियत जो है अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। इरफान मूसा जई इस हवाले से रिपोर्ट कर बना चुके हैं, दिखा रहे हैं हमें, हम वो देख रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई दिहाइयों तक राज करने वाले वर्सटाइल अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों का ताल्लुक जनूबी एशिया के कदीम तरीन जिंदा शहर पिशावर से है। पिशावर के मोहल्ला खुदादाद और डक्की दालगरा में मौजूद दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घरों की मलकियत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के नाम मुंतकिल कर दी गई है। यही वो गलियाँ और घर है जहाँ इन दोनों मारूफ अदाकारों ने जन्म लिया और इन्ही गलियों और कूचों में बचपन गुजारा। इन अजीम अदाकारों के आबाई घरों को महफूज बनाने के लिए इनकी बहाली और तजीन और आराइश का काम जल्द शुरू कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों की मजमूई कीमत 2,30,56,000 रुपए मुकर्रर की थी। अब इन दोनों हवेलियों को अजायब घर में तब्दील किया जाएगा। इरफान मुसाजई, 92 न्यूज़, पिशावर।
जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहजा की है, आखिरकार काफी वक्त लग गया इस चीज में, लेकिन आखिरकार ऐसा हो गया। हो गया। चले हम इस बात को अब आगे बढ़ाते नहीं है, हम आगे निकलते हैं क्योंकि इस वक्त जो है ना बड़ी मेरे अपने मतलब का मौजू है, इसके तो मतलब का मौजू है, उसको बहुत पसंद है वो फल जिसकी हम बात करने वाले हैं। और बिल्कुल, वैसे तो हमारे मुल्क में बहुत सारे फल पाए जाते हैं लेकिन तरबूज की हम बात करें तो तरबूज के फवायद भी बहुत ज्यादा हैं, और गर्मियों में हमें ये हर तरह का तरबूज, हर साइज में तरबूज अवेलेबल होता है, तो ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए ये हमें देखना होगा। और हम देखें ना ऐशाल, कि हम फलों की बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कैसा तोहफा दिया है कि यहाँ पर जो है फल मौजूद हैं। अगर हम देखें तो कीमत भी, हम तो बड़े नाराज होते हैं ना कि बहुत ज्यादा ये है, बड़ी नॉर्मल सी है। हम जापान की बात कर लेते हैं ना, वहाँ पर दो मामूली खरबूजे जो हैं कल हम देख रहे थे 27 लाख येन, यानी कि तकरीबन 39 लाख पाकिस्तानी रुपयों में नीलाम हुए हैं। तो आप क्या बात है, कितने नायाब होंगे वो, वहाँ पर आम भी नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि जी कि अगर कोई वहाँ पे आपके रहता हो, कहते हैं जी कि आप आम भेजें, आप तरबूज, हम किसकी बात कर रहे हैं, तरबूज की बात कर रहे हैं। अच्छा, तरबूज क्या किसी के घर ले जाते वक्त तोहफातन भी लेके जाते वक्त ना बड़ा अजीब सा लगता है, लेके जा सकते हैं, तुम पे पूरा यकीन है कि तुम लेके जा सकती हूँ, क्योंकि जितने इसके फवायद हैं आप किसी के लिए कुछ अच्छा ही सोच सकते हैं। किसी अपने के घर आप जाएंगे तो आप कुछ अच्छा सोचेंगे। तो तरबूज की, हाँ, तरबूज हमें खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी एहतियात रखनी चाहिए, अफादियत क्या है। हमारे साथ जो है हमारे गजाइयत ज़ैनब गोंदल, उनसे जानेंगे। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ैनब, तरबूज का जल्दी से बता दें कितने सारे फवायद हैं और किस किस वक्त में हमें इसको खाना चाहिए। मैंने तो सुना है इसकी डाइट भी है, तरबूज डाइट भी आप स्पेशली ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबसे पहले तो, और दूसरा वाटरमेलन मेरा भी मोस्ट फेवरेट फ्रूट है, और इस सीज़न में मैं सबसे ज़्यादा वाटरमेलन ही ले रही होती हूँ, क्योंकि वाटरमेलन जो है उसमें 92% जो है वो वाटर कंटेंट होता है। हमारी जितनी भी डिहाइड्रेशन बॉडी की पहले से हो चुकी होती है, या रमज़ान हमने गुजारा उसमें डिहाइड्रेशन हुई, अब हुई, वो हम इससे पूरी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें कैंसर से प्रिवेंट करते हैं, हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक स्टडी देखी गई जिसमें जो लोग कोलेस्ट्रॉल और बीपी से सफ़र कर रहे थे उनके लेवल्स को इससे कंट्रोल देखा गया। जिनको बहुत दिन तक वाटरमेलन दिया गया, लाइक 10 to 15 days एक कप वाटरमेलन डेली दिया गया, उनके दोनों लेवल्स जो थे वो लोअर्ड पाए गए, बेहतरीन पाए गए, मतलब बेहतर थे पहले से। उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, वाइटामिन ए है इसमें, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी। वाइटामिन सी जैसे कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ साथ हमारे लिए एंटी एजिंग भी होता है, विच इज वेरी मस्ट, और हम सब चाहते हैं कि हम यंग लगें और स्किन ग्लोइंग। बता दिया है कि नुस्खा है आपके पास ना, जवान रहने के लिए आप तरबूज का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे फल ऐसे हैं जो फैट देते हैं, आप क्या तरबूज भी फैट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पानी बहुत ज्यादा है। नहीं, इसमें जो है वो फैटनिंग बिल्कुल नहीं होता, इसमें वाटर कॉन्टेंट ज्यादा है, तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा देती है, ये देता है। आप फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, आपने अगर एक टाइम पे इसको एज अ फूड भी खा लिया है तो आप फुल रहेंगे फॉर नेक्स्ट मील। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं ना कि ये कह रही हैं कि ज्यादा खाना चाहिए। नहीं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। तोहफा तो ये दोनों मुझे लग रहा है एक दूसरे को आप दे सकते हैं, तरबूज वाटरमेलन दे सकती हैं तोहफे के तौर पर, लेकिन कितना खाना चाहिए, खाने के बाद की एहतियात क्या है वो भी हमें बताएं। जो एक कप होता है हमारे पास, हम उसमें लें जिसमें 5 to 6 जो पीसेस नॉर्मल साइज के होते हैं वो आ जाते हैं। अब जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो उस पर नमक ना डालें, चाहे वो काला नमक है चाहे वो वाइट नमक है, वो ना डालें, उसको वैसे ही कंज्यूम करें। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो ये ना सोचें कि इसमें चीनी ज़्यादा है तो हम नहीं खाएंगे, वो इसको ज़रूर खाएँ, ये उनके डायबिटीज़ लेवल को भी कंट्रोल करता है। लेकिन एक टाइम पे मैंने कहा 5 to 6 pieces से ज़्यादा नहीं खाना। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, अच्छा, 5 to 6 pieces हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, हम ना तो उसको बाउल में लेते हैं ना प्लेट में लेते हैं, हम जो बड़े वाले हमारे घर होते हैं उसको परात बोलते हैं। या एग्जैक्टली, शुरू हो जाते हैं हम उसमें खा रहे होते हैं, डिश बड़ी परात हम उसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें खा रहे होते हैं हम, और किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें खाते हैं और उसी में ही फॉग जो भी कुछ हो रहा हो हम उसी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हर एज में जो शख्स है, बच्चे को भी तरबूज दे देना चाहिए, बुजुर्गों को भी देना चाहिए, कुछ मसाइल तो नहीं है? बाद में पानी पीने के जो मसाइल हैं उस हवाले से हमें बताएं कि अगर वाटर उसके अंदर इतना ज्यादा है तो बाद में पानी पीने से क्या प्रॉब्लम हो रही है।
बेसिकली आप इसको हर एज ग्रुप के लिए दे सकते हैं, बच्चे वैसे तो खाएंगे नहीं लेकिन उसके लिए ये कहते हैं कि आप उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, उसको फ्रीज करें आइस लॉलीज जैसे, हाँ, बच्चे बहुत पसंद करते हैं वाटरमेलन को एज आइस लॉली, आप जो है वो बच्चों को दें, बच्चे उसको पसंद भी करेंगे और खाएंगे भी, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उनसे अफादियत हासिल कर लेंगे। हम बच्चे बड़े इस बारे में होते हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए, इसमें सीड्स होते हैं, बिल्कुल। तो आपने लास्ट टाइम कहा था कि इनके सीड्स आपको इनहेल नहीं करने हैं, आपके अंदर नहीं जाने चाहिए, ये प्रॉब्लम करते हैं, तो बच्चे जो है मोस्टली उन्हें खाते वक्त पता नहीं चलता तो वो इनहेल कर जाते हैं, तो उसका भी बताइएगा कि सीड्स कितने आपके लिए। अगर 3 से 4 से ज़्यादा आपके अंदर बीज चले जाते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करते हैं जिसकी बाद में ऑपरेट होता है, उसका और कोई हल नहीं है। कुछ लोग तो ये बात करते हैं कि बीज लाजमी तौर पर खाने चाहिए, मैंने बीज जो ड्राइड होते हैं वो आपको खाने चाहिए, अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं ब्लेंडेड खाने चाहिए, लेकिन जब आप खा रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके जैसे मैंने कहा इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं, इंटेस्टाइन में चबा कर भी तो आप खा सकते हैं, मतलब आप खा रहे हैं जब वाटरमेलन को तो वो चबाए जाते हैं और आपके अंदर बॉडी के चले गए हैं, तो क्या वो भी प्रॉब्लम करते हैं? हम उसको प्रॉपर च्यू नहीं कर रहे ना, वो टूट के चले जाते हैं, पीसेस डिफरेंट शेप्स में कट जाते हैं। कई बार ये भी मैंने देखा, मतलब पढ़ा भी, रिसर्चेस भी देखी कि लोगों की आर्टरीज जो होती है उन तक को इन्होंने ख़राब किया। जैसे कि दूसरी साइड पे हम देखते हैं वाटरमेलन जो है वो हमारी आर्टरीज को खोलने में हेल्प करता है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है इवन डॉक्टर ने जो है वो ऑपरेशन भी सजेस्ट कर दिए, अगर वो कुछ टाइम के लिए वाटरमेलन का इस्तेमाल करें तो उनकी आर्टरीज भी खुल सकती है। आखिरी छोटा सा सवाल पूछना है, हम ये तोहफे के तौर पर दे सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आप तरबूज लेके जाते हैं अच्छे लगेंगे क्या? तरबूज लेके जाते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे लेकिन हमजा को प्रॉब्लम है, मैं तो दे सकती हूं। अच्छा लेकिन ले जाए ना, मतलब कि किसी की सेहत को देखते हुए। जैन बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी, हमें बताया कि आपको तरबूज लाजमी खाना चाहिए लेकिन जो है उसको स्लाइसेस उसके देख लें कि आपको कितने खाने चाहिए, 3 से 4 पसंदी के साथ खाना चाहिए, इशाल की तरह नहीं खाना चाहिए, इशाल पसंदी की तरह नहीं खाना चाहिए, इतदाल पसंदी की तरह खाना चाहिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।